पंचराम यादव के द्वारा अपने परिवार के चार तीन अन्य सदस्यों के साथ जहर सेवन कर लिया गया था, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें सिम्स बिलासपुर रिफर किया गया था। बिलासपुर में इलाज के दौरान उसके पुत्र नीरज यादव की मौत हो गई तथा तीन अन्य सदस्यों को एक निजी चिकित्सालय RB हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान पंचराम यादव तथा उनकी पत्नी और एक पुत्र की मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा मर कायम करके मामले को जांच में लिया गया है। मृतक के घर को भी सील कर दिया गया है। FSL की टीम तथा अन्य टीम वहां पर पहुंच के मामले की जांच कर रही है।